टॉप 3 टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ M1887। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी M1887 यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मार सके, तो वीडियो को यार एंड तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे प्रो टिप्स मिलने वाले जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे अपने गेम प्ले के अंदर, तो डेफिनेटली आप किसी भी बंदों को किसी भी टाइम पे मार सकते हैं। अब चाहे वो प्रो प्लेयर हो या फिर न्यू प्लेयर हो, लेकिन आप बहुत ही आसानी से किसी को भी M1887 से मार सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। सो गाइस, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं वाइट स्प्लिट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि M1887 अभी रैंक मैच के अंदर आ चुका है और ये गेम का काफ़ी पावरफुल गन है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैगजीन आता है, इसीलिए यार बहुत से प्रो प्लेयर्स इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन इसका एक बहुत ही खास बात है कि इसके जो एमोज है वो काफ़ी बढ़िया निकलता है, रिलोड स्पीड काफ़ी बढ़िया है, इसका रेट ऑफ फायर काफ़ी बढ़िया है, इसका डैमेज काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए काफ़ी प्लेयर्स को यूज़ भी करते हैं। और पर्सनली मैं भी इसको काफ़ी पसंद करता हूँ और मैंने भी इसको कई बार यूज़ किया है रैंक मैचेस में और क्लासिक मैं तो यार करता ही रहता हूँ। बट यार इस गन का जो सिर्फ और सिर्फ एक डाउन पॉइंट है वो है इसका एमओ यानी कि मैगजीन, जिसको कि अगर आप कंट्रोल करेंगे इन टिप्स को फॉलो करने के बाद, तो आप एक ओपी प्लेयर बन जाएंगे, काफी बढ़िया प्लेयर बन जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है जंप एंड शूट। जी हाँ दोस्तों, इस गन के लिए जंप एंड शूट एक काफी बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि अगर आप जंप एंड शूट करते हैं तो डेफिनेटली बंदे पे यानी कि आपके एनिमी पे हेड लगेगा। और अगर आप दोनों ही गोली आपके मतलब आपके एनिमी पे लगाते हैं, अगर एक बॉडी पे लगता है एक हेड पे लगता है, तो डेफिनेटली वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब चाहे उस पर लेवल 4 का वेस्ट हो, 4 प्लस का वेस्ट हो, लेकिन बंदे पे अगर एक हेड लगता है तो वो वहीं पे डाउन हो जाता है। तो अगर आप M1887 यूज कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आपको जंप एंड शूट आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रेंज गन के लिए यानी कि M1014, M1887 ये जितने भी शॉर्ट रेंज गन है उसके लिए जंप एंड शूट आना बहुत ही जरूरी है। और आपको ऐसे जंप एंड शूट करना है कि उस बंदे को डायरेक्ट हेड लगे, उसके बाद ही वो बंदा खत्म होगा। क्योंकि अगर आपका एक भी एमओ मिस होता है तो वो बंदा वहां पे बच जाएगा और वो आपको मार के चला जाएगा। उसके पास अगर M1014 हो या फिर MP40 हो तो बहुत ही आसानी से आपको मार के चला जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आपको दोनों के दोनों जो एमओ है या दोनों के दोनों जो मैगजीन है वो आपके एनिमी भी मारना है, एक भी एमओ मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार इस गन का जो मेन डाउन पॉइंट है वो यही है कि आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मैगजीन मिलता है, तो अगर आप एक भी मैगजीन मिस करेंगे तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप जिस टाइम पे जंप करो वो सारे के सारे जो एमओ है यानी कि सारे के सारे जो गोलियां हैं वो आपके एनिमी पे जाके ही हिट करे। तो जैसे आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है कि मैं कैसे जंप एंड शूट कर रहा हूँ और कैसे एनिमी को मार रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही एमओ से, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ट्राई करते रहना है और करते करते आप एक काफी अच्छा प्लेयर बन जाएंगे M1887 के। सो गाइस, जो अगला टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है ड्रैग शॉट। जी हाँ दोस्तों, ड्रैग शॉट M1887 का एक काफी ओपी ट्रिक है। अगर आपको ड्रैग शॉट मारना नहीं आता तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मैंने कैसे ड्रैग शॉट लगाया है बंदों पे। बस आपको करना कि आपका जो अपना एम है वो बंदे के चेस्ट पे सेट करना है। जैसे आपका जो एम है बंदे के चेस्ट में जाता है, आपको जो अपने एम है यानी कि फायर बटन उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। उसके बाद आपका जो एमओ है वो डायरेक्टली आपके बंदे के हेड पे जाके लगेगा, उसके बाद वो जो बंदा है वो सिंपली से डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको ड्रैग शॉट मारना नहीं आता तो आपको ड्रैग शॉट मारना सीखना है, क्योंकि अगर आप ड्रैग शॉट नहीं मारेंगे तो आप M1887 को सही से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि M1887 को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका है ड्रैग शॉट। और अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको इसको अभी यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ड्रैग शॉट मारना सीखिए, उसके बाद आप इस गन को यूज कीजिए, वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो गाइस, जो आज का तीसरा और आखिरी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो है सरप्राइज शॉट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा शॉट है, अब कैसे मारना है। तो बेसिकली इससे आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, ना ही जंप एंड शूट करना है, ना ही कुछ ना ही कुछ। बस आपको करना क्या, आपको एनिमी को बस सरप्राइज देना है। आपको ऐसी जगह छुप के वेट करना है कि जब तक एनिमी आपके पास ना आ जाए, और जैसे आपके पास एनिमी आता है तो बस कूदो और उछल के हेड शॉट मार दो। अब यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है, अगर आप सरप्राइज शॉट दे रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि दोनों ही जो एमओ है वो उसके बॉडी पे जाके हिट करे। अब यहाँ पे आपको हेड शॉट भी लग सकता है, आप उसको हेड शॉट भी मार सकते हैं या फिर बॉडी शॉट भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही एमओ यानी कि दोनों ही मैगजीन उसके बंदे पे बॉडी पे मारते हैं तो बंदा खत्म हो जाएगा, हेड शॉट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हेड शॉट मारते हैं तो यार ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बेसिकली सरप्राइज शॉट के अंदर आप अपने एनिमी को हेड शॉट भी मार सकते हैं या फिर बॉडी शॉट भी मार सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज एंश्योर
करना है कि आपके दोनों ही जो मैगजीन है वो बंदे के बॉडी पे जाके लगे, ना कि कोई और लगे। एंड आपके लिए एक और बोनस टिप कि अगर आप जंप अन सूट कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि जंप करने के बाद आप उसको ड्रैग कर दो ताकि बंदे पे वो हेड लगे। जैसे आपको वीडियो का तो दिख रहे कि मैंने कैसे जंप किया, उसके बाद ड्रैग किया तो बंदे को हेड लगा, तो आपको भी ट्राई करना है कि आपको जंप और ड्रैग दोनों साथ में करना है ताकि बंदा तुरंत खत्म हो जाए एक हेड शॉट से। क्योंकि यार होता क्या है कि अगर आप जंप करते हैं तो कई बार वो जो एमओ है वो बॉडी पे लग जाता है, हेड पे नहीं लगता। तो आपको ट्राई करना है कि आप जंप के साथ साथ ड्रैग भी करें जिससे आपका जो एमओ है वो एक बॉडी पे लगे और एक हेड पे लगे और वो बंदा खत्म हो जाए। सो गाइस बेसिकली ये थे कुछ 3 प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ M1887 जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे अपने गेम प्ले के अंदर तो आप डेफिनेटली काफी आसानी से M1887 को यूज कर पाएंगे और आप किसी भी प्लेयर को कहीं पे भी डाउन करके उसका किल भी ले पाएंगे। तो यार बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आपको मेरे चैनल के अंदर फ्री फायर से रिलेटेड और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना हमारे लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए।